हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दुबई डी10 सीरीज के जो अगला मैच आज खेला जाएगा FM वर्सेस ACE के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, दोस्तों सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। कौन से बॉलर आपको स्टार्टिंग ओवर पर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर आपको डेथ ओवर पर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो एक बार दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक एरो का बटन मिल जाएगा, अगर आपने यूट्यूब अपडेट किया है तो फिर आपको इसी प्रकार मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा, इस ग्रुप में ज्वाइन करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये देखो अभी इन्फॉर्मेशन देखते हुए हम लोग डिस्कस करते हुए टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर टॉस एक दो प्लेयर चेंज होगा, ऐसा स्थिति में आपको फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है ड्रीम इलेवन के जितने भी आने वाले मैचेस रहेंगे, सारे मैचेस का लगभग आपको अपडेट मिल जाता है। दोस्तों जो हमारे रेगुलर यूजर्स हैं उनको पता है, तो एक बार जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के नीचे आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पे लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके इजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मैच रहने वाला है 7:45 में ये मैच आपको देखने को मिलेगा, ICC एकेडमी दुबई में ये मैच होने वाला है और यहाँ का पिच कंडीशन लगभग आपको पता है दोस्तों, 110 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को काफ़ी एडवांटेज इस ग्राउंड पर देखने को मिलता है, बाकी पेसर्स ने भी काफ़ी बढ़िया विकेट्स निकाले हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। FM की टीम 4 मैचेस खेला है, पाँच मैचेस खेला है, 4 मैचेस जीता है और एक मैच लॉस करते हुए आए हैं, लेकिन वही ACE का रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों तो 7 मैच के अंदर 6 मैचेस जीता है और एक मैच लॉस करते हुए आए हैं। ACE की जो टीम है दोस्तों काफी मजबूत टीम है एज कंपेयर टू FM की टीम। चलिए बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करते हैं। रोहन मुस्तफा आपको दोस्तों यहां पे टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलते हुए नजर आएंगे FM की टीम की तरफ से। ये दोस्तों ओपन करते हैं प्लस 2 ओवर इनका फिक्स रहता है, 5 मैच के अंदर टोटल देखेंगे 89 रन बना के दोस्तों 3 विकेट निकाल चुका है। ये खिलाड़ी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। वकास अहमद ओपन करेंगे, 9 रन स्कोर कराया दोस्तों। अगर असवांत का रिकॉर्ड देखेंगे तो ओपन करते हुए 31 रन स्कोर करा है। दोनों के दोनों टीम के ओपनर बैट्समैन है, लेकिन ध्यान रखना कि एक एक मैचेस ही खेला, जैसे कि यहाँ पे देवूद यास का रिकॉर्ड देख सकते हैं ओपन करते हुए 32 रन बनाया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों एक एक मैचेस ही खेला है, जानना जरूरी था लाइनअप में अगर ये खिलाड़ी रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आर्यन लकर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, पहले मैच के अंदर 11 रन स्कोर करा है और 2 ओवर बॉलिंग किया था लेकिन विकेट नहीं मिला था, फिर यहाँ पे थर्ड डाउन पे खेलने के लिए आए थे, 1 रन बनाया था, इसमें 2 ओवर का बॉलिंग करा लेकिन इसमें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। T10 रिकॉर्ड इनके नाम बहुत ही बेहतरीन है, इनके करियर के अंदर काफ़ी मैचेस इन्होंने खेला हुआ है, लेकिन इस मैच के अंदर हालांकि उतना सफल इनका रहा नहीं है दोस्तों, उतना सक्सेस रहा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अच्छा प्लेयर है, 2 मैच के अंदर अभी तक 12 रन बनाया हुआ है। अलीशान सराफू फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, कुछ मैच के अंदर ओपन भी करा है, 3 मैच के अंदर टोटल देखोगे तो 71 रन स्कोर करा है। मोहम्मद अकरम जोरा का रिकॉर्ड देखोगे, मोहम्मद अकरम जोरा जो कि दोस्तों सेकेंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 6 रन बनाए थे, कोई यहाँ पे दोस्तों दूसरे मैच के अंदर 0 रन, फिर यहाँ पे 1 रन, 3 मैच के अंदर टोटल 7 रन अभी तक बनाया हुआ है। वही अगर आप वशी शाह का रिकॉर्ड देखेंगे, सेकंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 48, फिर 28, 54, फिर यहाँ पे 1 रन, 4 मैच के अंदर टोटल अभी तक 132 रन स्कोर कर चुका है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रहा है इनका दोस्तों, इनका हाईएस्ट एक मैच के अंदर 54 था, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद उजर खान 4 मैच के अंदर 11+1 विकेट निकाला हुआ है। उमर अली 5 मैच के अंदर 263+7 विकेट निकाला हुआ है, बैटिंग बॉलिंग ये भी करते आपको दिख जाएंगे। इमरान खान दोस्तों यहाँ पे एक ही मैचेस खेला है, 2 ओवर का बॉलिंग में 1 विकेट यहाँ पे निकाला हुआ था। बाकी यहाँ पे बिलाल चिमा जो पहले मैच के अंदर 7 रन, दूसरे मैच के अंदर 0 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। मोहम्मद अजहर का रिकॉर्ड 5 मैच के अंदर 10 रन बना के दोस्तों 10 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी आपको 2 ओवर तक कंफर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। इसमें से लास्ट मैच के अंदर देखेंगे तो 2 ओवर का बॉलिंग में 3 विकेट अपने नाम करा है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, आप इनको अपने टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं।
आसिफ हयात, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3 मैचेस खेला है, 15 रन स्कोर करा है, इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है नहीं, लेट बैटिंग करते हैं। तेसावर जम्मू 2 मैच के अंदर 3 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। मतिउल्ला खान 3 मैच के अंदर 5 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ है। अब देखो स्टार्टिंग और पे गेंदबाजी आपको दोस्तों यहाँ पे इमरान मुस्तफ़ा और उमर अली, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको स्टार्टिंग और पे बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। वहीं डेथ ओवर बॉलर की बात करेंगे, मोहम्मद उजर खान और यहाँ पे मोहम्मद अजहर, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आप देखो बेंचेस प्लेयर में देखोगे दोस्तों यहाँ पे कुछ खिलाड़ी का नाम है, जैसे कि आदिल मिर्ज़ा, आलिशान शरफो, सैयद मसूद हसन, ताहिर लतीफ़, वकास अहमद, आर्यन लकड़ा, तेसावर जम्मू और यहाँ पे दोस्तों सैफ, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आपको आज मैच के अंदर बेंचेस में नजर आएंगे एफएम की टीम की तरफ से। बाकी सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हो, लगभग आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एसीई का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो एसीई की टीम की तरफ सबको उस्मान खान आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। 6 मैच के अंदर टोटल 118 बना के 1 विकेट निकाल चुके हैं, जिसमें से लास्ट मैच के अंदर दोस्तों ओपन करने के लिए आए थे 59 रन स्कोर करा है। इनके साथ सागर कल्याण आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, 7 मैच के अंदर 178 रन स्कोर करा है इनका। एक मैच के अंदर हाईएस्ट स्कोर 85 था। ये दोनों के दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फयाज ओपन करते हैं पहले मैच के अंदर 7 रन, दूसरे मैच के अंदर 9 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। खालिद शाह 7 मैच के अंदर 67 रन स्कोर करा है। कैनन अब्बास जो कि 7 मैच के अंदर 131 रन बनाया हुआ दोस्तों। बाकी एहसान शहजाद 6 मैच के अंदर 5 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों, सेकंड राउंड पे खेलेंगे, 2 ओवर फिक्स है इनका। बाकी राहुल का रिकॉर्ड देखेंगे, 7 मैच के अंदर 78 रन स्कोर करा है, जो कि टीम के 2 से 3 नंबर पर को बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। सूर्या सिंह 4 मैच के अंदर 48 रन स्कोर करा है, जिसमें से लास्ट मैच के अंदर ओपन करते हुए 30 रन बनाया हुआ था। सुल्तान अहमद 4 मैच के अंदर 20 रन बना के 7 विकेट निकाला दोस्तों, 2 ओवर फिक्स है कि आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। राहुल भटिया जो कि एक ही मैचेस खेला है, 2 ओवर का गेंदबाजी में 1 विकेट निकाले हैं। राहुल खन्ना 2 ओवर का बॉलिंग करा, ये भी फ्लॉप रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर नीलांश केसवानी का रिकॉर्ड देखेंगे, 5 मैच के अंदर 30 रन बना के अभी तक 1 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। एक चीज़ गौर करना, मैक्सिमम मैचेस में दोस्तों ये 2-2 ओवर बॉलिंग करा है, लेकिन लास्ट के 4 मैचेस में इनको एक भी सफलता मिला नहीं है बॉलिंग से। केशव शर्मा एक ही मैचेस खेला है, 2 ओवर का बॉलिंग में 1 विकेट निकाला हुआ है। अहमद शाह 3 मैच के अंदर 10 रन बना के 4 विकेट निकाला हुआ है। नासिर एजाज जो कि यहाँ पे 6 मैच के अंदर देखेंगे तो 9 विकेट निकाल चुके हैं, ये टीम के बहुत ही शानदार गेंदबाज है। रियाज कलीक 5 मैच के अंदर 3 विकेट निकाला है। मुनीब अली का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 विकेट ये भी निकाल चुके हैं मात्र 4 मैच के अंदर। दोस्तों बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं मुबीन अली, आप इनको अपनी टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं डेथ ओवर पे भी बॉलिंग करने के लिए आते हैं। और जैसे कि आपको पता है इस ग्राउंड पे जो है ना डेथ ओवर बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बॉलिंग से, ज़्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस रहता है। आप देखो स्टार्टिंग ओवर पे दोस्तों सुल्तान अहमद और नीलांश केसवानी, ये दो गेंदबाज आपको दोस्तों स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और डेथ ओवर में मुनीब और यहाँ पे एहसान शहजाद, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बेंचेस में देखेंगे नासिर एजाज, यहाँ पे एहसान शहजाद, उस्मान मसूद, हाफिजुर रहमान, मोहम्मद अयाज, रियाज खलीक और यहाँ पे दोस्तों शरीफ मसदुल्ला, ये दोस्तों कुछ प्लेयर्स हैं जो कि एसीए की टीम की तरफ से आज आपको बेंचेस में नजर आएंगे। बाकी सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, तो टीम एक बार आप देख लो, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से, कि अब्बास आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे एक मैंने आपको कहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 7 मैच के अंदर अभी तक 131 रन स्कोर कर चुका है। वहीं अगर आप एस शाह का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 4 मैच के अंदर 132 रन स्कोर कर चुका है। तो ये दो खिलाड़ी जो है दोस्तों विकेट कीपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैटिंग में दोस्तों मैंने 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, एस कल्याण बेस्ट रहेगा, एस कल्याण बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ना एसीए की टीम की तरफ से एस कल्याण बहुत ही बढ़िया अभी तक पॉइंट्स दिया हुआ है, 7 मैच के अंदर 78 रन बना चुका है, तो इनको ट्राई करेंगे। हालांकि एस शरफ को मैं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि लास्ट मैच के अंदर नहीं खेला है, अगर ये लाइनअप में रहते हैं तो बेटर प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने यू खान को ट्राई किया हुआ है दोस्तों, इन्होंने भी अच्छा पॉइंट्स अभी तक दिया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोस्तों यू खान को अपने टीम के अंदर लिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एन एजाज को मैं ट्राई करूंगा एसीए की टीम की तरफ से, एन एजाज भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत बेटर प्लेयर है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर में देखोगे तो मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, आर मुस्तफ़ा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट है, यू अली को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते आपको दिख जाएंगे। बॉलिंग में मैंने 3 बॉलर को लिया हुआ है, एम अजहर जो कि आपको कंप्लीट दोस्तों इस मैच के अंदर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, बहुत अच्छा विकेट्स निकाले हैं। एस अहमद को मैं ट्राई करूंगा और दोस्तों यहाँ पे जो है एम अली को मैं लेने वाला हूँ, ये भी अपने स्पेल के 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। टीम प्रीव्यू देख सकते हैं मेरा, जिसमें से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आर मुस्तफ़ा और यू अली को ट्राई किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में एक और प्लेयर मैंने यहाँ पे एस आजाद को बताया था, इस वजह से मैंने इनको ट्राई किया हुआ है। बाकी टीम प्रीव्यू आप देख
देख सकते हैं लगभग ये फाइनल टीम है। बहुत कम चांस है कि ये टीम एक दो प्लेयर चेंज अगर होता है, बहुत कम चांस है। अगर होगा दोस्तों तो मैं आपको आफ्टर टॉस लाइनअप के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, जुड़े रहें, क्योंकि फाइनल टीम के साथ साथ बहुत सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।